नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। होटल में सरकार का चेक इन, आज सबसे पहले यही बड़ी खबर बताएंगे इस बुलेटिन में। हम आपको यूपी में होटल और गेस्ट हाउस के संचालन से जुड़ी बड़ी खबर है। चेक इन करने वाले सभी गेस्ट हाउस का डाटा ऑनलाइन होगा। राज्य सरकार के पोर्टल पर सभी गेस्ट की देनी होगी जानकारी। नाम पता पहचान पत्र और चेक इन चेकआउट की दोनों की ही जानकारी देनी होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। यूपी में बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं होगा कोई भी होटल गेस्ट हाउस। सभी होटल और गेस्ट हाउस के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार विकसित कराएगी पोर्टल। निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ा जाएगा ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आवेदन के 45 दिन के अंदर पूरी होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर स्वतः ही माना जाएगा कि टीम रजिस्ट्रेशन कैबिनेट बैठक में सराय अधिनियम 1867 की धारा 13 में बदलाव करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। तो चेक इन और चेकआउट की जानकारी आपको ऑनलाइन आपको देनी होगी गेस्ट हाउस की। गेस्ट हाउस या अगर होटल अगर आप यूपी में रुक रहे हैं तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से जानकारी देना हुआ है जरूरी। तो यूपी में होटल्स और गेस्ट हाउस के संचालन और रजिस्ट्रेशन, होटल और गेस्ट हाउस जो तमाम चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चेक इन करने वाले सभी गेस्ट हाउस का डाटा ऑनलाइन होगा। चेकआउट करने वाले गेस्ट हाउस का भी डाटा ऑनलाइन देना पड़ेगा। दोनों जानकारी आपको बता दें कि देनी पड़ेगी वो भी ऑनलाइन। नाम पता पहचान पत्र और चेक इन चेकआउट की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको पोर्टल पर साझा करनी पड़ेगी होटल मालिकों को। चलिए मयूर शुक्ला हमारे साथ, आपको बता दें लखनऊ से जुड़े हैं और जयपाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। मयूर, ये जो अब फैसला लिया गया है कि गेस्ट की जो भी गेस्ट आएंगे उनका चेक इन चेकआउट सब पोर्टल पर डाला जाएगा, और अब तक पहले क्या प्रक्रिया थी और अब क्या बदलाव किया गया और ये इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ना बिल्कुल, देखिए कल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सुरक्षा की अगर बात करें उस लिहाज से जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, वहाँ पर किसी तरीके के अराजक तत्व ना पहुँच जाए, किसी तरीके कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि जो बड़े होटल्स में हैं वहाँ पर पहले से व्यवस्था लागू थी कि जो सरकार का पोर्टल है राज्य सरकार का, उस पर सबका नाम जो है दर्ज कराना होगा, चाहे वो चेक इन करें, चेकआउट करें या फिर जो कर्मचारी हैं होटल्स के उनकी पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन अभी जो छोटे होटल्स हैं, जो ओयो होटल्स चल रहे हैं, उनको लेकर ये खास तौर पे उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसको फॉलो करें। मैं लखनऊ का एक पिकेडली होटल है जहां पर मौजूद हूं और यहां के जो एक संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा। सर, आप इतना बड़ा होटल यहां पे रन हो रहा है, कल जो सरकार की गाइडलाइंस आई है आपने उसको पढ़ा होगा, किस तरीके से फॉलो करते हैं उसको? देखिए, ये गाइडलाइन यूपी के 1967 का इसका कानून है, उसी के धारा 13 के अंतर्गत उसमें संशोधन भी नियम 2023 पास किया गया है, जिसके तहत छोटे होटलों को खास करके इसमें कवर किया गया, क्योंकि उनके पास कोई डेटा नहीं होता था, उनका कोई रजिस्ट्रेशन सराय एक्ट में नहीं था, तो अब उन्हें सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोसेस ये किया कि निवेश मित्र के थ्रू उसका एक सेपरेट पोर्टल बना करके और ये उसका रजिस्ट्रेशन होगा। 45 दिन के टाइम पीरियड रहेगा उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन डाला है और नहीं भी वहाँ अधिकारी ने किया तो 45 दिन में स्वतः वो रजिस्टर हो जाएगा। उसमें प्रावधान ये है कि आपको वहाँ प्रबंधक नियुक्त करना पड़ेगा जो भी परिसर होगा, उसमें कैमरे चेक इन चेकआउट के रिकॉर्ड के हिसाब से कैमरे आपके पार्किंग का में कैमरा लगाना होगा, और जिसका 30 दिन का रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड सुरक्षित रखना पड़ेगा। गेस्ट के हिसाब से कि उनके चेक इन चेकआउट का जो भी रिकॉर्ड होता है कि उनके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो गया, उनके आने जाने का समय हो गया, ये सब अब दर्ज करना पड़ेगा, तो ये सभी होटलों के लिए मैंडेटरी हो गया। सर, जो विदेशी गेस्ट आते हैं और इंडियन जो गेस्ट होते हैं, इनमें भी कुछ अलग अलग कुछ नियम रखे गए हैं क्या कि विदेशी गेस्ट का डेटा ज़्यादा दिन तक आपको रखना होगा? मान लीजिए आगे चल के कोई दिक्कत होती है तो वो डेटा आपसे मांगा जाएगा तो आप कैसे दे पाएंगे उसको? देखिए, विदेशी गेस्ट के लिए तो पहले से प्रावधान है जिसमें फॉर्म सी अपलोड हो जाता है
दिन 24 आवर, उसका सेपरेट डेटा रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट पोर्टल पर सीधा अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन उसका एज अ जनरल गेस्ट हमारे पास रिकॉर्ड होता है, उनका पासपोर्ट हो गया, उनका जो वीजा की वैलिडिटी के मुताबिक वो सब ऑलरेडी रखा जाता है। नया एक नियम इधर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी आया है, क्योंकि उसमें सी फॉर्म नहीं भरा जाता था जिसमें देश थे नेपाल भूटान जैसे देश जिनमें पासपोर्ट अलाउड नहीं जरूरत नहीं है, तो उनके लिए भी एक नया नियम लागू हुआ है इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि उनका भी रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा क्योंकि वो सी पोर्टल उसमें फॉर्म भरना उसमें अपलोड पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें ना वीज़ा होता है ना पासपोर्ट होता है। लेकिन अब उनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड की एक लिस्ट है। बिल्कुल, देखिए आप रिकॉर्ड रखना पड़ेगा चाहे वो देशी हो विदेशी, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और देखिए ऑनलाइन जो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर मयूर चली रही हैं, लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ जयपाल भी जुड़े हुए हैं और मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, वाराणसी में भी बहुत सारे होटल्स हैं, जो ये नया नियम आया है वो किस तरह नफा नुकसान देख रहे हैं होटल मालिक इससे? बिल्कुल जेपी, देखिए आपको बताते हैं, इस वक्त हम एक होटल में खड़े हैं और ये वीआईपी इलाके में स्थित एक होटल है और यहाँ पर देखिए जो यहाँ का रिसेप्शन है वहाँ चलते हैं। और चूंकि होटल मालिकों की चिंता इसलिए भी बड़ी है कि क्या गवर्नमेंट उनको अलग से कोई नियम लगाकर किसी तरह का कोई भार देने वाली है, ये चिंता जरूर देखी जा रही है तमाम जो वाराणसी के होटल संचालक हैं। लेकिन रिसेप्शन पर बात करते हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, डेटा आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं उनका? उनका आईडी वगैरह लिया जाता है प्रॉपर, जो है उनका मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, साइन अप किया जाता है। गवर्नमेंट को भी ये डेटा शेयर करना पड़ेगा, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नहीं, हम लोग तो वैसे भी सब चीज़ें उसका बनाया ही जाता है, जो है सारा डिटेल्स हम लोग शेयर भी करते भी है, जो है अपने पास सारा रिकॉर्ड रखते हैं। आप कभी भी रिकॉर्ड हमसे पूछिए, हम बता देंगे आपको जो है। अच्छा, तो होटल के पास ये सिस्टम अवेलेबल है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे डेटा आपसे शेयर करना, आप सारे गेस्ट का डेटा शेयर करते हैं? जी, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस पर सारा उनका जो है डिटेल्स डाला जाता है डेली का जो है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी जो इसमें। अच्छा, तो ये देखिए जो तमाम होटल संचालक है, देखिए कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि एक झटके में जो कैबिनेट का फैसला आया वो जरूर उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। और ऐसे तमाम वाराणसी के होटल हैं जो लगातार यहाँ पर इस तरह की चीजें जो है अब अपने गेस्ट का जो डेटा है वो शेयर करेंगे। एक बार हम आपको होटल दिखाते, देखिए इस तरह से यहाँ पर रिसेप्शन में लोग जो है यहाँ रहते हैं। और मैनेजर हमारे साथ जुड़ गए जेपी, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप होटल के मैनेजर हैं जी, गवर्नमेंट का जो नया नियम आ गया कि अब आपको भी शेयर करना पड़ेगा डेटा, ऑनलाइन शेयर करना पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑलरेडी हम लोग सारे गेस्ट का डेटा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और जनरली थाने से या प्रशासनिक कोई भी आता है तो हम लोग सारी चीज़ें चेक कराते हैं, प्रॉपर आईडी वगैरह हर चीज़। तो एक तरह से आप लोगों को सहूलियत ही होगी अगर गवर्नमेंट के पास सारे डेटा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम लोग डेटा गवर्नमेंट को शेयर करें तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, अगर कोई सिस्टम गवर्नमेंट तय करती है तो उस सिस्टम के तहत हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, सारे जो होटल एसोसिएशन है वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि अब सब डेटा शेयर करें? जी जी, लगभग तो ये लीगल चीज है तो इसमें ऐसी कोई बात तो होनी नहीं है। चलिए जयपाल, लौटेंगे, लीगल है और देखिए सब शेयर करना चाहते हैं ऑनलाइन की, क्योंकि ज्यादातर बड़े होटलों में ये ऑनलाइन होता है लेकिन अब पोर्टल पर बहुत जरूरी है। जयपाल, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे